जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छा तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे बिहार फॉरेस्ट पुलिस का, जो अगर मैं हूँ, इसका सिलेबस क्या है, आगे आप कैसे बन सकते हैं, अगर हम बने हैं तो आप भी बन सकते हैं, इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहले बहुत सारे क्राइटेरिया है, तो हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले इसका सिलेबस क्या होता है, कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन से लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार फॉरेस्ट पुलिस का में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो 12 पास हो, किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो साइंस से पढ़े हो या आर्ट्स से या कॉमर्स से, ठीक है। और उनका मिनिमम 18 साल एज होना चाहिए और मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए, कुछ को इसमें छूट भी मिलता है। समझ में आ गया? अब इसका सिलेबस का हम बात करेंगे। तो सिलेबस में आपका चार गो खंड रहता है, भाग एक, भाग दो, भाग तीन और भाग चार, ठीक है। टोटल 100 को क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहता है, यानी 400 नंबर का एग्जाम होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है। तो चलिए, भाग एक में जो 30 क्वेश्चन था वो जीके से पूछता है। जीके में कौन कौन आ जाएगा, आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और पॉलिटी हो गया। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी एंड करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स का मतलब ये हो गया जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, हमारे देश में क्या चल रहा है, कौन से देश ने, कौन से राज्य ने कौन सी योजना को लॉन्च किया, तो इस सब के बारे में, जैसे कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, बिहार के राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, तो ये सब करेंट अफेयर्स में पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये आपका क्लास 10th लेवल तक रहता है और इसमें से आपका 24 क्वेश्चन पूछा गया था जब हम एग्जाम दिए थे 2020 में, 16 तारीख को मेरा एग्जाम था, तो 24 क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, ठीक है। और करेंट अफेयर से 6 क्वेश्चन, यानी अगर इसमें से 25 पूछा जाएगा, हो सकता है आपके में इसमें से 25 क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसमें से 5 क्वेश्चन पूछेगा। भाग एक क्लियर हो गया। भाग दो में आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 25 क्वेश्चन में आपका मैथ्स रहता है और रीजनिंग रहता है। मैथ आपका क्लास 10th लेवल तक रहता है, ये फिक्स है। इसमें से 15 को क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें से 10 को क्वेश्चन पूछा जाता है। रीजनिंग में हमारे पेपर में, मेरा सेकेंड शिफ्ट में था, इसमें जेनरली आपका ब्लड रिलेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। हम धीरे धीरे बताएंगे रीजनिंग में क्या पढ़ते हैं लोग, इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आप जानिए कि मैथ आपका 15 क्वेश्चन रहता है और रीजनिंग आपका 10 क्वेश्चन रहता है। क्लियर हो गया? मैथ आपका क्लास 10th लेवल तक रहता है। नेक्स्ट है भाग तीन, इसमें आपका 25 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से आपका साइंस हो गया, ठीक है, साइंस एंड इसमें ईवीएस भी रहता है। ईवीएस मतलब एनवायरमेंटल स्टडी। साइंस में आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से जनरली ये देखा गया है, हम अपना पेपर का भी एनालिसिस किए थे, तो उसमें से 20 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पूछा गया था और ईवीएस से आपका 5 क्वेश्चन पूछा गया था। समझ में आ गया? ईवीएस आगे बताएंगे इसका सिलेबस क्या, इसका सिलेबस क्या है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्लास 10th लेवल तक पूछा गया था। नेक्स्ट है भाग फोर, इसमें से 20 क्वेश्चन रहता है, वो भी हिंदी का, आसान है, क्लास 10th लेवल तक रहता है। तो टोटल अगर हम बात करें, टोटल क्वेश्चन इसमें 100 को क्वेश्चन हो गया, 100 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, यानी 400 नंबर का इसमें एग्जाम हो गया। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहता है, निगेटिव मार्किंग 1/3 रहता है, यानी आप 3 को क्वेश्चन गलती करते हैं तो ये वो क्वेश्चन का मतलब ये नंबर आपका कम हो जाएगा। समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका सिलेबस, होल आपका सिलेबस ये हो गया। और दूसरी बात है जो इसका जो मेरिट बनता है, फाइनल सिलेक्शन होता है, तो फाइनल हम लोग का जो 30 जून को फाइनल सिलेक्शन हुआ था, तो फाइनल सिलेक्शन आपका इसी रिटन एग्जाम के बेसिस पे बनता है। मेरिट आपका किस पे बनता है? रिटन एग्जाम पे, रिटन एग्जाम, डब्ल्यू ई, यानी मेरिट इसका रिटन एग्जाम पे बनता है।
यही आपका सिलेबस है। आई थिंक आप सबको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। आगे क्लास में हम बताएंगे कि इसका मेडिकल कैसे होता है, फिजिकल में क्या होता है, और इसी तरह हम अपना क्लास जारी रखेंगे। आप सब हमारे चैनल को, अगर आप नए आए, सब कोई तो नया ही है लो, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम बहुत सारा चीज को अच्छे तरीके से बताएंगे। ये मेरा फर्स्ट क्लास था ऑनलाइन में, जैसे कि हम अपना जब ज्वाइन किए जमुई में आए हुए हैं, तो यहाँ पे कल जाकर बोर्ड वोर्ड लेकर आए, तो ये मेरा फर्स्ट क्लास था। ठीक है, गए बाबा का दर्शन किए, उसका भी हम वीडियो डालेंगे, और बाबा के आशीर्वाद से आज हम शुरू भी कर दिए। चलिए, थैंक यू एंड जय हिंद।